ओके ऑल राइट, वेरी गुड फ्रेंड। तो वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं सब ठीक हो गए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन आईडी 70 राइट, क्वेश्चन आईडी 70। और उससे पहले हम बता दें कि क्वेश्चन आईडी 69 का राइट ऑप्शन है हमारा सी। ओके तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन एंड हम अपनी मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो और क्या है, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं मैकेनिज्म में और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या है हमारा, ये कोई हमारा मॉलिक्यूल है राइट, या कोई हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके और क्या है ये यहाँ पर दिया गया है, क्या PHSCl राइट। ओके क्लियर, ठीक है। तो अब हम इसको बता देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस चीज़ को देखेंगे, मैकेनिज्म लिख रहे हैं अपने इसकी, ठीक है। ओके ये है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो लॉन पेयर होते हैं वो क्या होगा, वो इस पर अटैक होगा राइट, और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तभी क्या बनेगा हमारा, देखिए यहाँ पे देखो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, किस पर, नाइट्रोजन पर राइट, SPH। ओके अब क्या हो गया यहाँ पे, नाइट्रोजन पर क्या बन गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड जो है वो इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या हो गया, ये मतलब इधर हो सकते हैं, तो इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तभी क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, या क्या होगा, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी। इसमें क्या हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन क्या होगी, देखो इसके पास क्या होंगे, इसके पास क्या होगा हमारा, ये होगा और ये कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा राइट, तभी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा। ओके ये तो हमारा यही है SPH, देन क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा देखिएगा, यहां पे क्या होगा, क्लोराइड आयन जो निकले हमारे वो क्या होगा, इस पर अटैक करेगा राइट। क्लोराइड आयन क्या करेगा हमारा, इस पर अटैक, किस पर, 1, 2, 3 देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा राइट, और जो क्लोराइड आयन होगा वो क्या होगा हमारा, इस पर ले जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, इधर जाएगा और ये इस ऐसे हो जाएगी राइट। ओके ये तो बॉन्ड इधर आ गया था हमारा, इधर ये ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया राइट, और क्या, हाँ या देखो इतना तो हुआ हमारा ये, और यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब इसका कौन सा आंसर है हमारा, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगर हम इसकी क्या करा दें, वर्कअप करा दें वाटर के साथ, ठीक है, वर्कअप करा दें, या क्या कर दें हम, वर्कअप कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो होगा नाइट्रोजन का, ये वाला लीव हो जाएगा, जब ये वाला लीव हो जाएगा तभी हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ एच आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या दिया है, मतलब ऑप्शन में हमारे ये भी को ऑप्शन दिया गया है, बट क्या है यहाँ पे, क्या है वहाँ पे, H2O के साथ वर्कअप नहीं किया गया है, और क्या उसकी बैलेंसी भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन है ये। ओके अगर हमारा, हम वर्कअप कराएं वाटर के साथ तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये, ठीक है, NH बॉन्ड आ जाएगा, NH आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय।